हेलो एवरीवन, मैं नाम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरह से पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने मतलब हमारे डॉक्टर अब्दुल कौन कदीर जो है अम्मी, उनकी क्या पाकिस्तानियों ने कदर की, कोई उनकी कदर नहीं की। मतलब हाँ, जिसने एटम बम बनाया लेकिन हमने उनकी कोई कदर नहीं की। और डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उसकी इंडियंस जो है वो किस तरह से कदर करते हैं। अब्दुल कदीर है, हाँ मुझे पता है, अब्दुल कदीर हमारे पाकिस्तानी है और अब्दुल कलाम इंडियन है। जो उन्होंने उनको वो एक एटम बम और ये सारा कुछ है ना, उन्होंने उनके लिए किया था, वो मैं बता रही हूँ कि हम दोनों का कंपेरिजन करने वाले हैं, कि हम दोनों का इंटरव्यू सुनेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं आज पूरी सीरीज। सादा जूते, मामूली कीमत के कपड़े, कहा तो ये जाता है कि आपके बैरून मुल्क खुफिया अकाउंट हैं, बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। मेरे पास जब आया तो मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम सब ले लो। क्या ये ऐसे इल्जाम हैं? झूठे पक्के अव्वल दर्जे के। मैंने आपको बताया ना कि जितने मुनाफिक और झूठे इस कौम में मिलेंगे आपको, खासतौर से हुक्मरानों में नहीं, और कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग जो हमें जानते हैं, हमारे साथ काम करने वाले 30-30 बरस से घर वाले, उनसे पूछ लें कि जितनी सादा ज़िंदगी हम गुजारते हैं, जितना सादा हम खाना खाते हैं, जितनी ईमानदारी से हमने काम किया, आज तक सरकारी चीज़ यूज़ नहीं की। अगर दफ्तर का आदमी आया तो उससे काम लिया तो उसको हमेशा 500 रुपये दिए। डॉक्टर साहब, कितनी पेंशन मिलती रही आपको? पहले तो मिलती थी 4,467 रुपये, अभी 19,000 हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट की स्पेशल पेंशन दी है। जब उन्हें ये पता लगा कि इनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, इन्होंने कोई चोरी नहीं की है? और ये सब बकवास थी, प्रोपेगेंडा था, ना मकान है, ना एक ना अकाउंट है, ना कुछ है। तो फिर आए कि जी हमें पता है आपको बहुत तकलीफ़ है, फाइनेंशियली बहन भाइयों से ले लेकर गुजारा कर रहे हैं, तो फिर एक स्पेशल पेंशन दी। तो आपकी टीवी की एक औरत होती जो पहले सब्जियाँ बेचती थी, वो एक दिन एक प्रोग्राम में कह रही थी, बहुत दिन हुए जी, इनके 23 प्लाट हैं इस्लामाबाद में, 23 बंगले। एक और साहब हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा मशहूर कंपेयर कहते हैं, वो कहने लगे कि जी ये तो ठीक है इनको बंद कर दिया, लेकिन इनके जो मिलियंस बाहर रखे हैं वो भी तो मंगाओ। तो कितने प्लाट आपके हैं इस्लामाबाद में? पूरा इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान मेरा नहीं, वैसे जहाँ जैसे आपकी ज़ाती मिल्कियत कितने हैं? मेरी ज़ाती मिल्कियत जो घर आपने देखा था वो है, और एक बनीगला में जो हमने बनाया था, उसके कागजात मौजूद हैं, पैसे जिस तरीके से हमने लगाए। ये इल्ज़ाम क्यों लगाए? इस मुल्क में झूठ बोलना दरोगोई तो कामन है ना, जिस पर जो सा इल्ज़ाम लगा दो। जो चोर हैं डाकू उन पर इल्ज़ाम नहीं लगते, वो साहूकार हो तो उनकी सफाई पेश होती है कि नहीं, वो तो बहुत ही ईमानदार हैं, नौमौलूद बच्चे की तरह हैं। एटमी मुल्क पाकिस्तान में हर तरफ लोड शेडिंग के अंधेरे हैं, क्या न्यूक्लियर तवानाई से ये मसला हल हो सकता है? ये हो सकता है बहुत। देखिए, अगर आप करना चाहें कोई काम भी आप करना चाहें तो उसको आप नेशनल लेवल पे लें, नेशनल पॉलिसी बनाएं, गाइड करने वाले सही हों, लेकिन जहाँ चीज़ें जाहिलों के हाथ में हों वो कुछ कर सकते हैं। क्या तरीका है, कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट देखिए, तरीके बहुत से हैं, लेकिन अब हमने कसम खाई है कि इस मुल्क को कुछ नहीं बताएंगे। जो हमने बताया उसका जो सिला मिला ना, अब उसके बाद कोई सलूशन, कोई हल नहीं बताएंगे किसी को। आप नाराज़ हैं लोगों से? ये लोगों से तो नाराज़ नहीं है, लेकिन एहसान फरामोश से तो नमक हरामों से नाराज़ है। आवाम से नाराज़ नहीं है, आवाम तो बेचारे बहुत मोहब्बत देते हैं। आपने खुद अभी मेरी बेगम को देखा, सीधी सारी बेचारी किन जाती, कितनी गुस्से में आई वो, जिसके साथ ये हो कि 6.5 साल से बंद रखा है, बच्ची को नहीं आने देते, मिलने नहीं देते, डबल देते कि लुटेरे डाकू तो पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं और हम इस मुल्क के लिए ख़तरा बन गए, जबकि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, 9 साल से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन से। गैर मुल्की अखबारात में आता है कि टम्बकटू में आपका कोई होटल भी है? जी बिल्कुल, होटल है हमारा तो नहीं है, हमने तो गरीब का बना के दिया था बेचारे का, वो बेहद गरीब था, मुसलमान था, बेहद गरीब लोग हैं, हम सब ने मिल के 8-10 आदमी ने चंदा करके तो तकरीबन $50,000 थे उसको, वहाँ जगह उसने जगह ली थी और उसको उसने बनाया। अगर हमारा तो हमारे पास वहाँ से पैसे आते कि नहीं आते, और हमें वहाँ बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर हमें बनाना होता तो यहाँ इस्लामाबाद में 1-2 घर खरीद के उससे आमदनी नहीं कमाते। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में किसी बात का पछतावा भी है?
इस कौम के लिए काम करने का। आदमी ये होता है कभी कभी आदमी सोचता है ना कि कोई और काम करता, तालीम की तरफ ध्यान देता बजाय ये काम करने के ना, एजुकेशन की तरफ प्रोफेसर बन जाता। मेरे पास बहुत बहुत पेशकशें थी, लेकिन एकदम ये जब हिंदुस्तान ने धमाके किया तो 74 का, तो फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान का जो वजूद है ख़तरे में पड़ गया है, तो इसलिए वो काम छोड़ के इधर आ गया। डॉक्टर साहब, पसंदीदा गुलूकार या गुलूकारा? इकबाल बानो, उसके बाद मुन्नी बेगम, आबदा परवीन, ये जो थी माशाल्लाह बहुत ही। फिर हमारे पुराने गाने वाले मलका पुखराज और गुलाम अली, देखिए माशाल्लाह गुलाम अली का कोई जवाब नहीं है, जब वो गाते हैं ना वो चुपके चुपके तो गायब हो जाते हैं। पुराना शनासा मिला तो माजी की बातें छिड़ गई, कई सालों बाद खुद सब्जी और फ्रूट खरीदा, लोगों ने एहतरामन हाथ मिलाए। नाउ क्वेश्चंस, फाइव क्वेश्चंस, हु इज गोइंग टू आस्क फाइव क्वेश्चंस? Five fellows come. Yes, get up. Come. What is the question? Start. Good evening, sir. Good evening. Which class you are studying? I'm studying in 10th standard. My name is Gayatri Mohan. 10th standard? Yes, sir. Next year, what subject you will take? I wish to take Biomax. Why bio? I'm interested in biology and... Biology, or you want to become a doctor? My ambition is to become, I want to study more on aerospace engineering. You are become a life scientist, right? Yes. Very good girl, okay. Yeah. Thank you, sir. Okay. So my question to you is, a journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan is indeed a great achievement which no one can think of. You are giving a lecture now, what is the question? Sir, I would like to hear from you a few tips for the upcoming generation to succeed in life. Well, succeeding life, I have already told you. Yes, sir. You have to do four things, okay? Number one, repeat with me. Number one, you repeat. Number one. Great aim. Great aim. I will have great aim. I will have great aim. I will. Continuously acquire knowledge. Oh, I will do hard work. I will persevere. And succeed. Okay, that's the mantra. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. You can go. You can go. Mm-hmm. Yes. That's all. Nobody else. Stop. Okay. Sir, go ahead. Sir, I am Jobin. I study in 7th standard. From Kangodia, UBS, Perurkada. My question, at present, what are the major strengths and weaknesses of our India? Your mic, can you keep the mic like this? Like this. Keep distance. Slowly speak. Speak now. You are a good fellow. Yes. Sir, I am poor English. Study in Malayalam medium. Malayalam le parai. At present, what are the major strengths and weaknesses of our India? What are the? Major strengths. Major strength. What are the major strengths of India? And weakness of our India. And weakness. Fantastic boy. What class you are studying? 7th standard. 7th standard. Okay. Now, strength of India. What the major strength of India? You guys, that is 600 million youth. Major strength of India, 600 million youth. Okay? Okay. So the youth, repeat with me, ignited mind, all of you, ignited mind of the youth. Absolute. Is the most powerful resource. See what? On the earth.
On the earth. Above the earth. Above the earth. Under the earth. Under the earth. You said, what is the weakness of India? Weakness of India. What is the weakness of India? Weakness of India, without vision, a nation dies without vision. You must have a vision, okay? Great vision. Thank okay? you, sir. Great vision. You can go. You can go. Again, addition. I will answer only 5 more guys, okay? Good evening, sir. I am Krishnidu KB, representing Sri Vivekananda Memorial Public School. Let me put forth my question. Your mic, you are putting in your mouth, will distance. Yes. Among please. All your valuable accomplishments, which do you consider as outstanding as a space scientist and as a president of India? Well, I personally believe I always value as a teacher. I am a teacher. When my student got a PhD, that was the greatest happiness for me. Okay. Next day. You can go. गाइज ये थी आज की वीडियो। तो अम्मी ये जो डॉक्टर अब्दुल कलाम है ना, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर है ना, पाकिस्तान को एटमी जो ताकत है उन्होंने बनाया था, इसी तरह से ये डॉक्टर अब्दुल कलाम इंडिया के, इन्होंने ना इंडिया को एटमी पावर जो है ना वो दी थी, उन्होंने बनाया, ठीक है। तो इन्होंने, इंडिया वालों ने ना एक स्पेशल डे रखा हुआ है जो इनके लिए वो मनाते हैं। और ये जो हो रहा है ना, ये एक मतलब स्टूडेंट्स जो स्कूल के होते हैं ना, वो उनसे आके पूछ रहे हैं कि आपने जिंदगी में इतनी सक्सेस ऐसे कैसे हासिल की, इंडिया की जो पावर है वो क्या है, वीकनेस क्या है। उन्होंने बोला कि इंडिया की पावर जो है ना वो आप यूथ है, मतलब कि आप जो नौजवान लोग है ना, वही पावर है हमारे इस कंट्री की। तो इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम जिंदगी में जो सक्सेस है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उन्होंने बोला कि हम हार्डवर्क करके ना तो वो सक्सेस जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। और इन्होंने इनको भी ना, इंडिया वालों ने इनको प्रेसिडेंट भी बनाया था, इनकी मतलब बहुत ज्यादा कदर करते हैं, इनका डे मनाते हैं, इनके लिए मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। लेकिन हमने क्या किया डॉक्टर अब्दुल कदीर के साथ, उन्होंने इल्जाम लगा के उनको पता है जेल में डाल दिया, पता है आपको जेल में डाल दिया। अभी वो इंटरव्यू में अपने क्या बोल रहे थे कि मैंने इस कौम को ना एटमी पावर बना के मैंने बहुत ही बड़ी एक अपनी जिंदगी की गलती कर दी है और मुझे उसकी सजा मिली है कि मैंने, मुझ पे इल्जाम लगा के ना कि मेरे अमेरिका में पता नहीं कितने घर है, मेरे यहाँ पे कितने घर है, मतलब उनकी पेंशन सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपया थी और अभी 19,000 रुपया, एक दो साल हुआ अभी उनकी डेथ हो चुकी है, आपको पता है उनकी डेथ हो चुकी है। तो लेकिन यार कदर नहीं की है, वही ना जो लोग हमारे लिए काबिल होते हैं ना, हम नहीं उसकी कदर करते, इसीलिए सच में यहाँ पे कोई टिकना नहीं है पाकिस्तान में। यार एक बंदा जिसने आपके लिए दिन रात मेहनत करके आपके लिए इतना कुछ किया हो, तो आप लोगों ने उसके साथ क्या किया है अम्मी, उसको तो वो बोलते हैं ना सर आंखों पे बैठा के रखना चाहिए था, इनको महलों में बैठा के रखना चाहिए था। लेकिन वो बेचारे, वो एक होता है ना रुल के मरने वाला अम्मी हिसाब, वो इन लोगों ने उनके साथ किया। कसम से कदर करनी है तो इंडिया वालों से सीखो, जो आज भी बोलते हैं कि हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को सुन के हम चलते हैं, हम उनको मतलब फॉलो करते हैं और जिंदगी में सक्सेस उनकी वजह से हासिल करते हैं, क्योंकि हमें वो एक मोटिवेशन है लोगों के लिए ना। लेकिन यार हमारे लोगों ने कसम से, जो वो क्या बोले थे कि जो चोर होते हैं ना उनको कोई नहीं पकड़ता, लेकिन जो मासूम लोग होते हैं ना उन पे इल्जाम बाजी लगा के ना तो उनको जेलों में डाल देते हैं। तो मुझे कसम से जब मैंने ये सुना था ना, मुझे इतना बुरा लगा था ना यार, इन्होंने क्यों उनके साथ हमें ऐसा किया। अभी वो यही सोच के मरे कि मैंने मतलब जो अब अगर अपनी जिंदगी, वो बोलते हैं पढ़ लिख के वो किसी बाहर कंट्री में चले जाते, उन लोगों को एटमी पावर बना देते, तो उनकी कितनी कदर होनी थी। यहाँ पे उनकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि इस कौम को उन्होंने एक मतलब जो होता है ना एक पावर दे दी, तो ये इस काबिल ही नहीं थे। तो वो सच में ऐसे लोगों की कसम से अभी कोई कदर नहीं है पाकिस्तान में। जो होनहार लोग है ना वो इसी वजह से हमें मेहनत करते हैं, फिर बाद में पैसे जमा करके तो बाहर कंट्रीज में ना चले जाते हैं, सही करते हैं ना वैसे। आप बोले ना, बस सही कहते हैं कि इधर रहकर रुलना है ना, सही बात है, इधर रहकर रुलना है, इसी वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। अपनी जो एक दिमाग होता है ना वो अमेरिकन की कंपनीज में लगा दे, ज्यादा बेहतर है, उनकी कदर तो होगी ना। यहाँ पे तो ना कदर ना पैसा कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी बताना, फिर मिलते हैं।